हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिवाइडर के बारे में बताने वाला हूँ। ये साइट वाली वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 मीटर विड्थ वाली रोड बनाई गई है ना। तो एक तरफ से आना होगा और दूसरे तरफ से जाना होगा। तो इसके लिए ये डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रहे, इसके लिए जो है डिवाइडर बनाई गई है। तो डिवाइडर बनाने से पहले सबसे पहले क्या किया गया है, हमारा जो ये वाली PQC है ना, ये वाली PQC और ये वाली PQC जो है, इसके बीच का अंदर वाली जो डिस्टेंस है वो 500 mm है ना। तो डिवाइडर बनाने से पहले जो है हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से सफाई करना पड़ता है, DLC लेवल तक का जाना पड़ता है। इसके बाद हमें 60 mm की डस्ट डालनी पड़ती है, थिकनेस वाली 60 mm डस्ट डालनी पड़ती है। और फिर 100 mm की PCC की जाती है M50, है ना, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टील के बारे में बता रहा हूँ। इस डिवाइडर में या इसे टेक्निकली जो है जर्सी बैरियर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जर्सी बैरियर की जो राफ्ट मेन बार है वो 12 mm थिकनेस वाली है, इसकी डायमीटर जो है 12 mm है। ठीक है, इसके बाद दो राफ्ट मेन बार की बीच का जो स्पेसिंग है वो 200 mm है, और ये बैंडर जो है इसका डायमीटर जो है 10 mm है, और दो बैंडर के बीच का भी थिकनेस जो है स्पेसिंग जो है वो 200 mm है ना। इसके सेटिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो प्लेट्स हैं उसका लेंथ जो है वो 1250 mm है। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लो, है ना। और ये हमें जो डिवाइडर बनाना है वो PQC टॉप से 800 mm हाइट होना चाहिए, है ना। तो इसके प्लेट्स के बारे में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये वाली पोर्शन जो है ये स्ट्रेट पोर्शन है ना, जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऐसा प्लेट ही इसके अपोजिट में लगा हुआ है। तो ये स्ट्रेट वाला जो पोर्शन है, 8 सेंटीमीटर वाला जो पोर्शन है, उधर वाले प्लेट से हमारा जो इनसाइड डिस्टेंस है वो 500 mm है, मतलब विड्थ जो है 500 mm है। इसके बाद जो है हमारे ये सटरिंग प्लेट का विड्थ है जो धीरे 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 क्या होते गया, घटते गया। ये आप देख लो, धीरे धीरे क्या हो गया, घटते गया है। और ये स्ट्रेट पोर्शन आते आते यहाँ पे प्लेट्स की विड्थ जो है वो 200 mm हो गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अब इसे सटरिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ऐसा जो है वुडेन का स्टिक टाइप का लगा दिया जाता है, ताकि ड्यूरिंग कंक्रीटिंग और जब कंक्रीट करते हैं तो उसे वाइब्रेशन भी करते हैं निडल वाइब्रेटर के द्वारा, ताकि कंक्रीट अच्छे से वाइब्रेट हो तो ये प्लेट्स जो है भागे ना। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जो है ये जो सटरिंग प्लेट है इसका जो स्ट्रेट पोर्शन है, इस स्ट्रेट पोर्शन को टाई रड के द्वारा क्या कर दिया गया है, टाइट कर दिया गया है। और इधर ये विंग नट लगा दिया गया है इसके उल्टे वाले साइड में भी। ठीक है, और टॉप से भी क्या कर दिया गया है, ये स्टील का पतला सा बनाकर इसे 200 mm पे टाइट कर दिया गया है। ठीक है, यही है, देखिए अभी इधर कंक्रीट नहीं हुई है। और सबसे पहली बात, हर एक 30 मीटर के बाद जो है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोल लगानी है, लाइट वाली, है ना। इसके लिए वायर के लिए सबसे पहले जो है पाइप डाल दिया गया है 100 mm वाली, है ना, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए टायर रड लगी है इस साइड, टायर रड इधर भी है इसके अपोजिट वाले में, है ना। देखिए इधर कंक्रीटिंग हो रखी है, ये पूरा कंक्रीट करना है, आप देख सकते हैं इधर कंक्रीटिंग हो रखी है, है ना। और एक साथ जो है 30 मीटर का कंक्रीट करवाता हूँ। और ये देखिए कवर ब्लॉक लगा है 50 mm की, ये वुडन ब्लॉक्स हैं, ताकि ड्यूरिंग कंक्रीटिंग जो है ये प्लेट्स जो है स्प्रेड ना करें, है ना, लोड की वजह से। अब पहले वाली देखिए डिवाइडर बन रखी है, जब ये कंप्लीट होगा तो इसे पेंटिंग भी किया जाएगा। ये देखिए स्टॉप है, और ये दोनों डिवाइडर के बीच का स्पेसिंग जो है 700 mm है, यहीं पे क्या लगाया जाएगा, पोल लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोल लाइट के लिए।
के वाइब्रेटर से कंपैक्ट किया जा रहा है अच्छे से, ताकि हमारी फिनिशिंग बेहतर आए और वाइब्रेटर यूज करने से कंक्रीट अच्छे से कंपैक्ट हो जाती है। और ये पीछे से फिनिशिंग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इसी हाइट तक हमें कंक्रीट करनी थी। प्लेट का सपोर्ट लगा दिया गया है ताकि डेरिंग कंप्लीटिंग प्लेट जो है फैले ना।